तीन पहाड़ी पे माँ काली और पंचमुखी बालाजी और भैरव विराजमान है। यहाँ बंधन काटे जाते हैं, जो संकट अगर किसी भक्त पे हो तो यहाँ संकट काटे जाते हैं, बंधन। और भाई कहाँ जा रहे हैं भाई? हम 32 पर्वत यानी कि तीन पर्वत चल रहे। अरे वाह भाई, उन्होंने तो नहीं भाई, चलो भाई चुप मतलब रुक जाओ। क्या ये कौन सा डांस था? ये कौन सा डांस? हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा डांस था ये बल्ले वाला। चलो भाई तो भाई हम सब जाते हुए ये देख सकते हैं रास्ता कितना अच्छा है और बहुत बढ़िया वाइब आ रही है यहाँ पे, ठीक है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर और जैसे कि देख सकते हैं, और हमारे भाई आ रहे हैं और भाई का व्लॉग बन रहा है और सभाजी भी आ रही हैं, ठीक है। और भाई बता रहा है कि तीन पहाड़ है ये और देख सकते हो आप यहाँ पर। और भाई ऊपर से तो नज़ारा बहुत ज़्यादा ऑसम ही लग रहा है वैसे तो देखने में, बाकी देख सकते हो आप पीछे का नज़ारा। हम नहीं थकेंगे, बैटरी फुल चार्ज है, कितनी चला लियो तो सच्चे दरबार ठीक है। और भाई ऊपर जाते हुए कोई बात नहीं, ये फोटोग्राफी वगैरह का है। तो शायद भाई ऊपर आ चुके हैं। बोलो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? विश्राम और अभी हम लेंगे एनर्जी ड्रिंक। अच्छा तो ये भाई साहब भी देख रहे हैं बहुत देर से, इनकी भी मुस्कुराहट को क्या दी जाए, क्या दी जाए, लाइक दी जाए, लाइक दी जाए और उसी लाइक को कमेंट लिख देना कि कैसी लगी मुस्कान, ठीक है भाई। वैसे थोड़ी बहुत थकान तो हुई है पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जय श्री राम। तो भाई श्रद्धालु जाते हुए नज़र आ सकते हैं आपको, भक्त आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए भक्त आ रहे हैं दर्शन के लिए और जा रहे हैं, और हम भी अभी इसी रास्ते को जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे। तो देख सकते हो भाई कितना सुंदर नज़ारा है और ये छोटे छोटे से पिंड बने हुए हैं, देख सकते हो परिवार मिश्रित परिवार के सदस्य। सर मेरे देसी सी सपना कर भाई, ये है ना वो बने हुए हैं अपने अपने पितरों के। हाँ पितरों के बने हुए हैं ये, लोगों के परिवारों के बने हुए हैं ये। तो ये भाई छोटे मोटे परिवारों के पितरों के मंदिर हैं, छोटे छोटे बना रखे हैं अपनी मतलब श्रद्धा से उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। होता है यहाँ पर जो घर बना के जाते हैं, पत्थर के घर बना के जाते हैं, जो जैसे इनके घर बनते हैं वैसे यहाँ घर बना के भी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो ऊँट दिखाओ, ऊँट दिखाओ, ये देखो ऊपर से पहाड़ी पे आते हैं ऊँट, ऊँटों पे बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। और कुछ भी बताएं यहाँ के बारे में, जैसे कि तीन पहाड़ी पे पंचमुखी बालाजी महाराज हैं, अच्छा। और माँ काली और भैरव जी विराजमान हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ संकट काटे जाते हैं, बंधन काटे जाते हैं। आप तीन पहाड़ी पे अगर आए हुए हैं, अगर श्रद्धालु जो आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं लोग, हाँ जो यहाँ तीन पहाड़ी पे आए उनके इस बारे में पता होगी, माँ काली और भैरव विराजमान हैं और पंचमुखी बालाजी महाराज। तो भाई देख सकते हो आप यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह भी होती है और ड्रेस वगैरह है यहाँ पर देख सकते हो, और बाकी वो राजस्थान ड्रेस है भाई तीन, ये देखो जी वहाँ पर, ठीक है। अभी दिखाई नहीं देगा, हम आगे से फोकस करके दिखाएंगे और पीछे भी आते हुए सभी, और सोनू भाई आ रहे हैं हमारे लोग बनाते हुए फेस कर रहे हैं वो लोग। तो भाई साहब हम सामने आपको दिखा सकते हैं कि ये तीन पहाड़ी है जहाँ पर हम जा रहे हैं जय बाबा काली माता जी के दर्शन करने के लिए, और देख सकते हो भक्त लोग श्रद्धालु लोग बहुत जा रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा लेकर, और ऐसे ही हम भी आए हैं
थोड़ी सी अपनी श्रद्धा लेकर ठीक मेहंदीपुर बालाजी और राजस्थान में। और भाई हम अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन यार अफसोस है कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो सॉरी। तो भाई अब आप फुल इंजॉयमेंट ले सकते हैं राजस्थान का और देख सकते हैं कि कैसा नज़ारा है यहाँ का। वो देख सकते हैं, वो भाई जा रहा है और यहाँ खेती भी हो रही है। बहुत बढ़िया वाइब आ रही है भाई, बहुत बढ़िया वाइब। देख सकते हैं भाई हम तीन पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारी टीम खड़ी हुई है पूरी, और हमारी टीम नज़ारे का लुत्फ उठा रही है, आनंद ले रही है। ठीक है, राजस्थान में अब भी पानी की बहुत कमी है। ये फ़ोन ना चला जाए ना, पूरा डायरेक्ट नीचे जाएगा। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ से भी नज़ारे का फुल इंजॉयमेंट ले सकते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं ये नीचे का नज़ारा है पूरा, और कितना बेहतरीन नज़ारा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और भाई तो भाई हमारे तो दर्शन हो चुके हैं तीन पहाड़ी वाले बाबा की। ठीक है, मन्नत भी मांग चुके हैं और भाई जिसके पास जो चीज नहीं है वो इसी चीज की मन्नत मांग सकता है। चलो भाई, तो भाई नीचे जाते हुए पैदल पैदल, और भाई पैर थोड़े थोड़े से दुखे हैं, लेकिन दुखने का एहसास मन में मत रखना। कितना शानदार घोड़ा नजर आ रहा है सामने, स्टार वाला। ये विवेक भाई का गधा है, विवेक भाई का गधा है, देख लो क्या बोलते हैं ये बीएमओ गधा। इनको भाई ब्लॉगिंग की स्कूल में डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। दर्शन होने के बाद तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी फोटो शूट चल रहा था बच्चों का, हमने नहीं कराया, अच्छा नहीं लगा हमें क्योंकि फोटो बहुत ज़्यादा ब्लर दे रहे थे वो, इसलिए अब दर्शन हो गए। हम जा रहे हैं नीचे, अभी हम जाएंगे रूम पे अपने, वहाँ जाके आराम करेंगे। भाई बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया, ऊपर दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हुए और दिल खुश हो गया भाई। अब भाई भी कहूँ बहुत मज़ा आया, एक बार जरूर आ जाना। आना भाई अपनी फैमिली के साथ में, बहुत अच्छी जगह, काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फोटो खिंचवा सकते हो आके अपने फैमिली के साथ में, राजस्थानी लोग राजस्थानी स्टाइल में, और मतलब राजस्थानी फूड को ट्राई कर सकते हैं आके। काफ़ी सारी चीज़ें, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे खाने के लिए, और रेट बहुत ज़्यादा कम है यहाँ के खाने के, तो आप आ सकते हो। लो बजट बहुत ही अच्छा घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है, और साथ में ही दर्शन, सबसे बड़ी दर्शन, इतने सारे एक ही साथ इतने सारे दर्शन हो जाते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भाई जो बालाजी में बताते हैं कि भूत है प्रेत है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब भूत वूत कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा होता है, पता नहीं हमें तो कुछ लगा नहीं है। तो भाई मंदिर वंदिर घूमने के बाद में, और भाई हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे और खाना खा चुके हैं, और देख सकते हो जैसे कि धूप कितनी पड़ रही है, पैर वगैरह जल रहे हैं, और ये भाई कपल जा रहे हैं। ठीक है, और